बच्चों डिस्कस अ न्यू टर्म मैकेनिकल एनर्जी व्हाट दिस मींस इज दैट हाउ मच एनर्जी अ पार्टिकल हैज व्हेन इट इज मूविंग एंड व्हेन इट हैज सम पोजीशन ओके एक्चुअली इट इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी देखो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट यूज टू डू पर्टिकुलर वर्क ठीक है जब भी एक ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव कर रहा होता है किसी पोजीशन पे होता है जो उसकी टोटल सम ऑफ एनर्जी है ठीक है इस लेवल पे उसे हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अब यहां पे हम क्या मतलब समझेंगे कि देखिए अगर जैसे बॉडी चल रही होती तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और सपोज करो कि उसकी कोई पोजिशन है जो कि ग्राउंड लेवल से या फिर रेफरेंस लेवल से कितनी ऊपर एच है, है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी हम लोग वो लिखते हैं कैसे हाफ एम वी स्क्वेर और उसकी पोटेंशियल एनर्जी साथ में ही लिख देते हैं कितनी एम जी एच ऑबियसली यहां उसकी स्पीड हो गई एम मास है यहां g जी एक्सेलरेशन और एच क्या है लेवल या जीरो लेवल जहां पे हमने अज्यूम किया है है, से उसकी ठीक है, है? जैसे सपोज करो बच्चे कि अगर एक बॉडी है जो कहीं यहां पर वी स्पीड से मूव कर रही है ठीक है तो इस इंस्टेंट पर अगर मैं उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वे ठीक है और अगर यहां पे वो हाइट एच पे है ग्राउंड लेवल से और हमने ये अज्यूम किया है कि ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है ठीक है तो हम यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं और वो कितनी हो जाएगी एम जी एच ठीक है तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं एक और लॉ पढ़ लेते हैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसका पर्पस क्या है इसको कहां पे यूज करना है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को वो भी समझ लेते हैं देखिए व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट इनो सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एग्जांपल्स कौन-कौन से होंगे अगर मैं पूछूं आपसे कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन-कौन से हैं तो आपको याद आना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम अपने लेवल पे ट्वेल्थ लेवल पे कौन-कौन से लेते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं ठीक है और कौन सा फोर्स लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं और कौन सा फोर्स लेते हैं स्प्रिंग का फोर्स ले लेते हैं अगर ये सारे फोर्सेस हैं सिर्फ यही फोर्सेस हैं सिस्टम में तब या फिर ठीक है और व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, मतलब फ्रिक्शन हो गया टेंशन हो गया नॉर्मल तो है ही अगर ये सारे फोर्सेस हैं तो बट देयर वर्क इज जीरो ठीक है? हाउ मच वर्क दे आर देयर वर्क इज जीरो मतलब उनके वर्क की कोई टेंशन नहीं लेनी हमें देन वी कैन से दोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व फिर से रिपीट करता हूं सिंपल लैंग्वेज में अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रोस्टार्टिक फोर्स प्रेजेंट है और कोई फोर्स नहीं है सिस्टम में या फिर अगर कोई दूसरा फोर्स है बट उसका वर्क वहां पे क्या है जीरो है देन वी कैन श्योरली से कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम कांस्टेंट या कंजर्वड इसका क्या मतलब हुआ किसी इंस्टेंट पर उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी कुछ देर बाद भी उसका मोशन होने के बाद भी उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी ठीक है इसको समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मतलब पहले किसी पोजीशन पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किसके बराबर रहेगी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर यानी किसी और इंस्टेंट पर अगर आप उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो इनिशियली और फाइनल दोनों सेम रहेंगे ठीक है तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली का मतलब क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर प्लस उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर रहेगा कैंटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर रहेगा ठीक है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर सपोज करो एक कार है और इसके मोशन को आप पहले ऑब्जर्व करो ठीक है यहां से एक स्लोप नीचे आया हुआ है फिर एक लूप है फिर एक लूप आया है और फिर ये ऊपर चढ़ जाती है ये कार ठीक है इसको मोशन को आप पहले ऑब्जर्व करिए फिर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं बच्चों जब किसी हाइट पर होती है वो बॉडी ठीक है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा होगी सपोज करो स्टार्टिंग पे बात करूं जब यहां है तो आप देखोगे कि ये हाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला बार है वो बिल्कुल इंक्रीज है और जब वो नीचे आता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी अब किसमें कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी का बार आपको उस समय इंक्रीज़ दिखाई देगा देखो जब नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी बार फिल जब ये हाइट पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी का बार फिल हो गया बट जो टोटल एनर्जी का बार है वो देखो अभी हमेशा कैसा है बिल्कुल कांस्टेंट है ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे और वो बार एक्चुअली है क्या दोनों बार्स की हाइट का सम है ठीक है जैसे ही ऊपर जाता है तो ये बार आप देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी का कम हुआ ठीक है तो एक्चुअली क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी तो रहेगी कंजर्वड बट अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी समय पर ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कैंटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी बट टोटल सम क्या रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा सपोज करो जब ये बॉल इस स्लोप पर बिल्कुल टॉप पे बैठी है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ठीक है और जब वो यहां से फॉल कर जाती है तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है यहां पे आने पर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में ठीक है इसी बात को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहां पे कौन सी लॉ हमें लगानी है पहले एक लॉ आपने देखी थी वर्क एनर्जी थ्योरम उसमें कोई भी कंडीशन नहीं थी कि यहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है बट हां अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ लगाना है तो कंडीशन क्या है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस सिस्टम में प्रेजेंट होने चाहिए देखते हैं बॉडी ऑफ मास टू के जी इज थ्रोन अपर्टिकली विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर नाइनटी जूल मतलब कि हमने एक बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली उसको ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए आपने कुछ वेलॉसिटी दी होगी वेलॉसिटी देने का इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि आपने उसको एक एनर्जी दी है मैंने पूछा कौन से टाइप की एनर्जी दी तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये इमोशनल एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी बिल्कुल सही इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8, उस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि भाई टेन मत लेना नाइन पॉइंट करके चलो देन द हाइट एट विच द कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ वो हाइट बताइए जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो गई है हाफ हो गई है ठीक है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज गिवन बाय वो हाइट हमें बतानी है जब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई है तो इस मोशन को एनालाइज करने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं एक बार डायग्राम बना लेते हैं देखो ये बॉडी है सपोज करो इसके पास काइनेटिक एनर्जी दी हमने ये सपोज करो हाइट कुछ एच पे पहुंच जाती है कितनी हाइट एच हाइट पर ये पहुंच गई और यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई पहले अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी के ई थी तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है के ई बाई टू ठीक है और मैं पूछूं कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी लेट अस से कि उसकी वेलोसिटी कुछ वी डैश हो गई जो कि इस क्वेश्चन में उतनी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है बच्चों ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी जीरो थी और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी U अगर मैं इस जगह से रेफरेंस लेते हुए देखूं तो H हाइट पे हमने बात करी है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं तो ये सारी बातें हो गई अब हमें सोचना है कि इसमें कौन सी लॉ लगाएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल है तो वो एक चॉइस तो है ही हमारे पास एक और सिंपल लॉ है क्या उसको मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं देखते हैं बच्चों अगर एक बॉल को आप फ्रीली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा क्योंकि वो किसी भी वॉल किसी भी फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है अगर मैं पूछू क्या इस पर कोई टेंशन फोर्स है नहीं क्योंकि ये किसी भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है क्या इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं क्योंकि ये किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है और हम अज्यूम करते हैं कि एयर का फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम यहां पे सोच नहीं पा रहे नाउ लेट सी पे फोर्स लग कौन सा रहा है तो ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज द एम जी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ और वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है सिस्टम में तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगी तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल वैलिड है तो चलो बाय मैं शॉर्ट में लिखता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों हमें ये डिसाइड करना होगा इनिशियल पॉइंट कौन सा है तो जब हमने इसको थ्रो किया उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट और किसी जनरल हाइट जहां पे हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल होती हो उस पॉइंट को हम फाइनल पोजिशन ले सकते हैं ठीक बच्चों अब बात यह आती है कि हम मैकेनिकल एनर्जी से क्या समझते हैं तो वो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ओके इज इक्वल टू मैं दूसरे साइड अगर जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बात आ गई अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्या है इसमें वैल्यूज पुट करनी है इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस कॉर्नर पर लिखी हुई है एंड इट्स वैल्यू इज 490 जूल तो मैं यहां पे 490 जूल फिल कर देता हूं और इनिशियली इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या अज्यूम कर ली है जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहां पे जीरो फुल कर देता हूं अब आई बात वो पॉइंट जहां पे हमें रिक्वायर्ड कंडीशन फुलफिल होती है रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल अगर फोर थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी फोर नाइनटी बाई टू दैट इज टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव और नई पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्या हो जाएगी एम जी एच अब मैं आपसे पूछूं, एम की वैल्यू क्या है यू विल से सर टू के जी है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन पॉइंट एट और एच हमें पता नहीं है देखिए इस चीज को हम बहुत आसानी से कर पाए अच्छा फोर नाइन्टी है और ये फोर नाइन्टी बाई टू था अगर इसको इधर भेजूं तो ये बन जाएगा फोर नाइन्टी बाई टू और उधर है टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू एच नाइन पॉइंट एट ठीक है इसको अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो यहां पे जीरो लिख सकता हूं नाइन्टी एट और फोर्टी नाइन आराम से कैंसिल हो सकते हैं वन और ये ट्वाइस हो जाएगा ठीक है अच्छा भाई और ये टेन उधर चला जाएगा देखो तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों देखिए ध्यान से हंड्रेड आ जाएगा ऊपर टेन इधर गया और एक जीरो पहले से था हंड्रेड और ये फोर और ये टू पहले से थे तो ये बन जाएगा एट ठीक है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर तो इस हाइट पर बच्चों इस हाइट पर बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओरिजिनल वैल्यू की कितनी बन जाएगी 50 परसेंट यानी हाफ हो जाएगी ठीक है 50 परसेंट से रिड्यूस हो जाएगी आई होप यहां पे आपने एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझा होगा ठीक है एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं अ ब्लॉक ऑफ मास टू के जी इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए एंड स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस टू पॉइंट बी ठीक है फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी ठीक है रिलीज किया है इसका क्या मतलब समझेंगे बच्चों हम कि यहां पे उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो थी ठीक है इसको यहां से रिलीज जैसे ही करते हो हल्का सा स्लोप है यहां से क्या होगा ऑटोमेटिकली स्लाइड करता हुआ जाएगा ठीक है और यहां पे ये यह भी बोला गया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है फ्रिक्शनलेस सरफेस का क्या मतलब हुआ हमारे लिए कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है एक और फोर्स जो किसी भी पॉइंट पर प्रेजेंट होगा जैसे मैं बात करूं बॉडी यहां पे थी बॉडीज अब यहां पे है तो बच्चों इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं जैसे नीचे एम लग सकता है कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स लग सकता है ठीक है तो हमारे लिए सिस्टम में एम है नॉर्मल है फ्रिक्शन एबसेंट है अब आपका सवाल होगा सर क्या यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी प्रेजेंट है तो मैंने बोला नॉर्मल हमारे लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर ये वर्क जीरो कर रहा होता तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते थे अप्लाई कर सकते थे तो सोचते हैं एक बार कि नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को देखो यहां से सपोज करो बॉडी थोड़ी सी दूर डी एक्स जाती है या डी एस जाती है तो नॉर्मल उसके क्या रहता है बिल्कुल परपेंडिकुलर सपोज करो यहां पे मैं बॉडी को ले आता हूं बॉडी पर नॉर्मल ऊपर और एम नीचे मैं पूछूंगा बॉडी किधर जा रही है इधर और नॉर्मल किधर है ऊपर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट डीएस के लिए क्या नॉर्मल का वर्क डन यहाँ पे भी जीरो होगा यहाँ पे भी जीरो होगा याद करिए अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कि वर्क डन वहां पे क्या हो रहा होगा जीरो एफ इंटू डी एस इंटू कॉस नाइनटी डिग्री वो क्या हो जाएगा जीरो तो मैं यहां कर सकता हूं पूरे पाथ के लिए कि वर्क डन नॉर्मल क्या हो गया जीरो ठीक है दूसरा फोर्स है कौन सा हमारे लिए एम और वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है अब हम अगर आगे जाते हैं तो बॉडी यहां से इस स्लोप पे फिर से क्लाइंब करेगी और यहां पहुंच जाएगी और लेट अस से कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड यहां पे क्या हो चुकी है वी ठीक अब हमारे लिए इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट हो गया बी आपसे पूछा क्या गया है स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी बच्चों अब हमें क्या लगाना चाहिए आप फिर से मैं बोलता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा लगाया जा सकता है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ स्पेशल केसेस में लगाया जा सकता है और यह एक स्पेशल केस है उनमें से ही एक तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बच्चे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करूं यहां पे लिखूं ठीक है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करनी चाहिए और लेट अस से कि यहां पर ही पोटेंशियल एनर्जी क्या थी जीरो थी तो यहां से जैसे ही मैं टेन मीटर पर ले जाता हूं इस बॉडी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है ठीक है तो इसमें क्या लिखना होगा के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल बच्चों के इनिशियल बच्चे यहां अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसकी स्पीड हमने कंसिडर करी है जीरो क्योंकि इट हैज जस्ट बीन रिलीज तो यहां मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो पुट कर देता हूं और पोटेंशियल एनर्जी यहां से रेफरेंस लेते हुए ठीक है इस लाइन को ही हमने क्या बोल दिया है रेफरेंस लाइन ठीक तो काइनेटिक एनर्जी तो लिख दी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी एमजीएच मास है इसका टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और हाइट है दस बेटा काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे हाफ एम वी स्क्वायर कंसिडर कर सकते थे ठीक है तो देखते हैं ये जीरो प्लस टू इंटू जी मतलब टेन इंटू टेन हाइट हो गई इज इक्वल टू स्क्वायर बच्चों मतलब और, और पोटेंशियल एनर्जी की अगर वहां फाइनल जगह पे बात की जाए तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताइए तो आप बोलोगे सर वहां पे एम जी और एच को फाइव मीटर रख दीजिए मैंने बोला बिल्कुल सही बात है टू इंटू टेन इंटू फाइव ये हमारे लिए क्या हो गई नई पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू इंटू टेन इंटू फाइव अब क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं और v स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमसे पूछी गई है ठीक है ये हो जाएगा बच्चों 200 और ये हो जाएगा हमारे लिए 100 तो 200 हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज देखो ये टू और टू कैंसिल हो गया उधर आ गया वी स्क्वेयर इसको अगर सॉल्व करें तो ये हंड्रेड इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और क्लियरली यहां से v हमें दिख जाता है टेन मीटर पर सेकेंड क्योंकि सारी क्वांटिटीज एस आई यूनिट में हमें प्रोवाइडेड थी तो हमें कहीं भी यहां पे यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो बच्चे जब यहां से ये स्लाइड करेगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, जाएगा और यहां पे ऊपर उछल के और यहां से चला जाएगा तो क्योंकि ये अपनी जगह से थोड़ा नीचे आ गया है पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी यहां पे काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से ही इसने कुछ स्पीड गेन कर ली है आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू